आर्ट्रे वर्सेस स्वीट रे, अपने पीछे ही है वो भी। आया आया आर्ट्रे वाला, आया आर्ट्रे वाला आया भाई, पीछे का बंदा देखो मतलब। तो हु इज़ माई इंस्पायरेशन, मतलब मोटो व्लॉग और व्लॉग बनाने का मेरे को मतलब मोटिवेशन जो है कहाँ से मिला? तो भैया रिक्शा वाला कैसे चलाते, मतलब देखो रिएक्शन देखो, मतलब क्या ही लोग घूर घूर के देख रहे हो भाई। Couple niggas I can't get it back. Every time I pull up, they're like, who is that? I slide with the Glock when I'm busting the trap. We found a treasure, put gang on the map. If you give me my number, I'll give you my snap. You be for my brother. हे व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो ये व्लॉग कब आएगा मुझे खुद को पता नहीं है, लेकिन तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी ने तो मस्त बाइक को पूंजा पूंजा करके सजा दिया है, तो चलिए निकलते अपनी राइड पर। तो आज हम निकल चुके इवनिंग राइड पे। आज आप वीडियो बनाने वाले हैं, तो हु इज़ माई इंस्पायरेशन, मतलब फोटो व्लॉग और व्लॉग बनाने का मेरे को मतलब मोटिवेशन जो है कहाँ से मिला, किसे देख के मैंने अपना मोटो व्लॉग स्टार्ट किया। तो आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं MSK भाई, मोहम्मद सलीम खान। तो MSK भाई उसको कौन नहीं जाता, तो सबसे बड़े में इंस्पायरेशन तो वही है MSK भाई। अगर आपको वीडियो बनाने का मूड नहीं है, व्लॉग बनाने का मूड नहीं है, तो मैं गारंटी देता हूँ उनके वीडियो खाली है, आप एक बार देखो, उनके वीडियो देख के आप में इतना मोटिवेशन आ जाएगा, इतना मतलब जोश आएगा ना कि आप व्लॉग बना ही लोगे। तो ये MSK भाई मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, जो मुझे व्लॉग बनाने में हेल्प करते हैं। जब भी उनके वीडियो देखो मतलब बहुत अच्छा लगता है उनको वीडियो देखने में, और हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है कि भाई चलो हम भी इनकी तरह वीडियो बनाते हैं। तो उन लोग को मतलब बड़ी बड़ी जगह जाना पसंद होता है, तो मुझे भी हर जगह जाना पसंद है, लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकता, वीडियो नहीं बना सकता। तो जब मेरे पास GoPro आया, तो मैंने सोचा चलो जब मेरे पास GoPro है तो मैं भी अपना मोटो व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, और हर जगह जाके मैं भी वीडियो बनाता हूँ। डेली लाइफ में जो भी कुछ मैं करता हूँ, मतलब यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, बस घूमने जा रहा हूँ, डेली लाइफ में अब जो भी करूंगा मतलब छोटी छोटी राइड करूंगा, तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगा और यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो बस मेरा मोटो व्लॉग करने का मतलब यही है। और जो मेरा दूसरा मोटिवेशन है जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, वो है डी व्लॉग्स। तो असम गुवाहाटी से मतलब मेरा भाई, मतलब एकदम सिंपल वीडियो जो अपना बोलते हैं, एकदम मस्त वीडियो डालो और देख के उसको मजा आता है लाइफ में। तो उनके वीडियो देखने के बाद भी मतलब ऐसा लगा कि नहीं चलो हम भी ऐसे व्लॉग बनाते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं। हमारे वीडियो देखकर अगर कोई खुश होता है तो हमको अच्छा लगता है भाई। तो उनके वीडियो देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके वीडियो देखने के बाद लाइफ अच्छी जा रही है, अच्छे मतलब उनके वीडियो देख के लाइफ में मजा आता है कि हाँ चलो डी व्लॉग का न्यू वीडियो आया तो देखते हैं, आज भाई यहाँ गया वहाँ गया, छोटी सी राइड मारी, ये करा वो करा, तो अच्छा लगता है मतलब भाई जो वीडियो बनाते हैं। तो वो है मैं दूसरा जिससे मैं मोटिवेट हुआ हूँ, जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मतलब उन लोग को देखता हूँ हर जगह घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। अगर मुझे भी घूमना अच्छा लगता है हर जगह, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो हम भी मोटो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जहाँ भी जाएंगे वीडियो बनाते रहेंगे और सबको दिखाते रहेंगे, तो अच्छा लगता है मुझे वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और तीसरे की बात करूँ तो वो है टन्ना धवल। तो अहमदाबाद से, वो भी गुजराती, मैं भी गुजराती, टन्ना धवल। तो उसके वीडियो मैं कब देखा, जब उसके 6K या 7K उसके सब्सक्राइबर थे, तब से मैं उसके वीडियो देखता हूँ। तो भाई जब भी उसके वीडियो देखता हूँ, न्यू कॉन्टेंट लाता रहता है, मतलब आज इसने बाइक मॉडिफाई की, उसने बाइक परचेस की, उसने बाइक ली, बाइक मॉडिफाई की, उसका कैफे रेसर बनाया, अभी भाई ने न्यू अभी रिसेंटली कैफे रेसर का गिव अवे भी किया। तो मतलब उनको देख के भी बहुत ऐसा इंस्पायर होता है कि हाँ भाई चलो ये भी अपने बाइक में कुछ कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है, लोगों को मतलब बता रहा है कि अपने बाइक के साथ ऐसे ऐसे काम हो सकता है, ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो मतलब वो भाई हमको बता रहे कि हाँ नहीं हम लोग ऐसे ऐसे बाइक को मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपने बाइक में ये लगाओ तो बाइक और अच्छी दिखेगी और मतलब उसका लुक उठ के आएगा। तो मॉडिफिकेशन के रिलेटेड मतलब वीडियो बनाते हो, हमको हम लोगों को इंस्पायर करता है कि हाँ बाइक में तुम लोग ये काम कराओ, वो काम कराओ। तो ये था मेरा तीसरा मोटिवेशन, मेरा इंस्पायर। फिरोज भाई पूरी टोली लेके कहाँ जा रहा है, मतलब ये रिक्शा वाले भी कुछ दो तीन ज़्यादा पैसे के लिए मतलब क्या करते थे, पूरा रिक्शा भर देते, बाद में एक्सीडेंट वाला इशू हो जाता है भाई। और हम लोग आ चुके हैं सचिन के वन साइड रोड पे भाई, वो रिक्शा वाला बंदे तो कैसे बैठे। चलिए तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं सचिन। तो भैया रिक्शा वाला कैसे चलाते, मतलब बिना सिग्नल के कहीं भी घुस जाओ, ये रिक्शा वाले और एसटी बस वाले, उन लोग का भरोसा कभी भी मत करना। ओह भाई इधर भीड़ देखो और रिएक्शन देखना, देखो रिएक्शन देखो, मतलब क्या ही लोग घूर घूर के देख रहे हो भाई। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमें यहीं पे मिला सचिन में भाई, बाकी पूरा रोड खाली था, पता भी नहीं चला कब सचिन आ गए, इतना पूरा रोड खाली था। और ये देख रहे हो बंदे लोग कैसे बैठे, मतलब पूरा भर के यार।
तो अपने आगे जा रहे हैं यामाहा R3 और अपनी है R15 V3 R3 vs V3। लेकिन ये R3 का मतलब उतना एग्जॉस्ट का साउंड भी नहीं आ रहा है। आया आया R3 वाला आया, R3 वाला आया। बंदा देखो, मतलब उसका सच, उसकी पूरी बैग दिख रही थी पीछे। भाई मेरे को रेस नहीं लगानी है, तेरी R3 है, मेरी V3 है। चलो भाई तुम लोग जा रहे हो लेफ्ट साइड, मेरी मंजिल है राइट साइड। और चौथे की बात करता हूँ तो वो है स्ट्रीट बर्नर, उसको कौन नहीं जाता। स्ट्रीट रेस की बात जब आती है तो स्ट्रीट बर्नर को कैसे भूल सकते हैं। अभी हम रिसेंटली हमने अभी टॉप एंड मारी थी बाइक का, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। स्ट्रीट रेस का कोई किंग है तो वो है स्ट्रीट बर्नर। तो हम लोग स्ट्रीट बर्नर को कैसे भूल सकते हैं भाई। स्ट्रीट रेस हो या आप कोई भी रेस लगा लो, अगर स्ट्रीट बर्नर के हाथ में V3 है तो बात खत्म। स्ट्रीट रेस में उनसे आगे भाई कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। स्ट्रीट रेस का किंग है वो, अपनी सेफ्टी के साथ चलाता है। तो हम लोगों को भी इंस्पायर करता है कि आप लोग बाइक चलाओ, रेस लगाओ, लेकिन आपके कंट्रोल में जितना हो सकता है उतना करो। तो वो हमको इंस्पायर करता है, रेस के रिलेटेड वीडियो बनाता है। आज इसके साथ रेस हुई RS 200, तो हर एक बाइक के साथ वो वीडियो बनाता है और रेस करता है। तो रेस के रिलेटेड वो वीडियो बनाता है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करता है हम लोगों को। तो ये थे चार मेरे मोटिवेशन इंस्पायरेशन मतलब मोटो व्लॉगर। जो पहला है MSK मोहम्मद सलीम खान, डी व्लॉग टन्ना डवल और स्ट्रीट बर्नर। ये चार बंदे को देख के मैं इतना इंप्रेस हुआ, मतलब मेरे अंदर इतना मोटिवेशन जागा है कि नहीं मुझे भी व्लॉग बना दे, मैं भी अपने में छोटी छोटी राइड मारता हूँ तो मैं भी हर वीडियो पे राइड। तो फिर मैंने सोचा चलो ये लोग इतना अच्छा वीडियो बना के डालते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी छोटी छोटी राइड मारना अच्छा लगता है, मतलब घूमना मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी यही है। मतलब मेरे को बाइक पसंद थी तो मैंने R15 V3 ली, और मतलब मुझे हर एक जगह जाना और घूमना मेरे को अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब मेरे पास GoPro था तो मैंने सोचा चलो मैं भी इन लोगों की तरह मतलब वीडियो बनाता हूँ, YouTube पे डालता हूँ, YouTube चैनल मैंने चालू किया अपनी। तो मुझे बस हर एक जगह जाना अच्छा लगता है, वीडियो बनाना अच्छा लगता है। तो वीडियो में मेरे से इतना भी होता है, मैं वीडियो अच्छा बनाता हूँ, आप लोगों को बना के डालता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। अगर वीडियो पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज मैंने बातें करी है मतलब किस लोगों से मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट की है, कौन है मेरे इंस्पिरेशन मोटिवेटर। तो इन लोग को देख के मैंने अपना मोटो व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, स्टे ट्यून्स।